दोस्तों इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लाइटरूम से फ़ोटो एडिट कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अपने अपने गैलरी में से एक फ़ोटो जो यूज़ करना है ले लेते हैं। इसे लेने के बाद यहां पे सेव हो जाएगा, तो ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को चूज कर देंगे। चलिए ले लीजिए। फिर यहाँ पर हमें जाना है, जो है लाइट लिखा है वहाँ से लाइट देंगे इस फोटो को, क्योंकि अंधेरा में फ़ोटो लिया गया है थोड़ा, इसलिए हम एकदम फ्रेश कर दिखाएंगे आपको। चलिए थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा और इसे बढ़ा देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। तो चलिए तो इसे लो कर लेते हैं थोड़ा, हाईलाइट को भी थोड़ा सा लो कर लेंगे उसी के बराबर। चलिए रहने देते हैं इतने पे दोनों को सेम कर लिए। और अब चल जाएंगे कलर, अपना कलर सेट कर लेंगे बैकग्राउंड का और उसे अपने हिसाब से अच्छे से मैच करा देंगे। तो इसे और हमारे पीछे जो है ग्रीन कलर का है, जो तो हम ग्रीन पर क्लिक कर उसे थोड़ा और हाई कलर करा देते हैं। अब थोड़ा डिटेल दे देते हैं इस फोटो में, क्योंकि डिटेल इस फोटो में उतना नहीं है, तो दे देंगे तो थोड़ा फोटो क्लीन दिखेगा। तो चलिए इसे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारा फोटो डिटेल में हो गया, जो है जूम करने पर फ्रेश दिख रहा है। एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फिर हमें पीछे का बादल को जो है अच्छे से चेंज कर लेते हैं। तो चलिए एक लाइट लिप ऐप में चलते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो इसे ओपन करते हैं, यहाँ से जो फोटो बनाए हैं एडिट किए हैं उसे यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आएगा स्काई ऑप्शन, उसे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने मनपसंद जो है बादल सेट कर लेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं यही। फिर यहाँ से हम अगर आपको अच्छे से नहीं फिट होता है तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया है, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद चलिए इरेज कर अच्छे से इसे कर लेते हैं। जैसे कि इरेज अच्छे से कर लिए, अब इसे हम जो है अच्छे से बादल को सेट कर लेते हैं। तो चलिए हम सेट कर लिए और इसमें जो है अच्छे से और लाइट दे देते हैं फोटो में। यहाँ से हाईलाइट और कर लेते हैं फोटो को, हाईलाइट अपने हिसाब से कर लेंगे। तो इतने पर रहते हैं, फिर सिचुएशन पर हम जाएंगे, सिचुएशन को अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ से अच्छे से हम देख लेते हैं, इतने पर रहते हैं और फोटो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमारा फोटो बनकर रेडी, सेव कॉपी पर क्लिक करेंगे और फोटो को सेव कर लेते हैं।